नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने सनफ्लावर्स के सीड्स को इन डिस्पोजल ट्रे पर शील्डिंग किया था। अब इस वीडियो में हम इसके जर्मिनेशन से लेकर ट्रांसप्लांटेशन तक पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो पर बने रहें। हालांकि कुछ सीड्स ने ग्रो नहीं किया है, मगर धीरे धीरे वो भी ग्रो कर जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये हमारे सनफ्लावर के जो प्लांट हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। देखिए, इनकी जड़ें चारों तरफ फैल चुकी हैं इस छोटे से डिस्पोजल के। देखिए, नीचे भी इनकी जड़ें, कुछ जड़ें जो हैं बाहर आ रही हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अभी इन्हें हम इससे ट्रांसप्लांट करके इस 8 इंच के गमले पर लगाएंगे, ठीक है। इस 8 इंच के गमले के लगाने के लिए मैंने क्या लिया, ये नॉर्मल सी मिट्टी ली है, थोड़ी सी रेत मिक्स की है मैंने इसमें, और इसके साथ में ये गोबर की खाद और ये हम दोनों मिक्स कर लेंगे मिट्टी को, और अपने पॉट पे इसे भरेंगे। भरने के बाद हल्के हाथों से इसे निकालते हुए, देखिए मैं इसे इसमें भरूंगा। गोबर की खाद डालने से ये फ़ायदा है कि प्लांट जो है आपका बहुत जल्दी से ग्रो करेगा, है ना। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो फूल भी जल्दी आएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने इसे इतना भर लिया है मिट्टी से इस गमले को कि इसको जो है इसमें आराम से ट्रांसप्लांट किया जा सके। आप देख पा रहे हो जैसे, अब इसे हम हल्के हाथों से पुश करते हुए बाहर की ओर प्रेस करेंगे तो ये जो है प्लांट मिट्टी के साथ बाहर निकल आएगा। इसमें हमें ध्यान देना है कि इसकी जो रूट्स है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत डैमेज होगी तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्लांट को। देखिए कितने प्यार से बाहर आ रहे हैं, है ना। ये देखिए पूरा बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आराम से इस पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देखिए, जी आप देख पा रहे हो इसकी रूट्स कितनी फैल गई हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से यहाँ रख देंगे, बीचों बीच रखेंगे इसे, और चारों तरफ से इसे हम मिट्टी से पैक कर देंगे। ये देखिए ऐसे, देखिए कुछ ही दिनों में ये एकदम से बिल्कुल तैयार हो जाएगा पूरी तरह से ये फूल देने के लिए। तो ये हमने सूरजमुखी के प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया है इस बड़े पॉट पे। अब ये पूरी तरह से एकदम तैयार है। इसे बिल्कुल आउटडोर में ही रखना है क्योंकि इसे गर्मी पसंद है, इसलिए इसे हमेशा आउटडोर रखें। आप इसे इंडोर रखेंगे तो ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इस प्लांट को हमेशा तेज़ धूप पे रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा इसे धूप में ही रखना है। तो नाम ही इसका सनफ्लावर है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम हल्के से पानी सींच देंगे। देखिए मैं पानी हल्के हाथों से सींच रहा हूँ इसको। अब ये प्लांट बिल्कुल तैयार है, कुछ ही दिनों में ये फूल देगा। तो उसका मैं आपको नया वीडियो बना के दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।